रख घी डाल लिया है, आप इसका भी बटर डाल के खा सकते हैं। मक्के का रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे नए नोटिफिकेशन पहले आए। ये है मेरे गार्डन का सरसों का पेड़ है, इससे हम पत्ता तोड़ेंगे और साग बनाएंगे। सरसों का साग लिया है, पालक साग तोड़ेंगे। ये मेरे गार्डन का पालक साग है, इसको इस तरह तोड़ कर टुकड़ी में रखेंगे। टुकड़ी पालक पत्ता लिया है। मेरे गार्डन का मेथी, मेथी को इस तरह तोड़ कर लेंगे। पालक साग से थोड़ा मेथी साग, पालक मेथी का साग लिया है, इसको हम धोकर अच्छा से साफ कर लेंगे। दो दिन बाद धो कर लिया, इसको हम इस तरह पीस पीस कर देंगे। काट लिया है, अब हम मेथी पालक काट लेंगे। मेरा साग मैंने काट लिया, अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। सरसों साग भी डाल देंगे, दो तीन हरा मिर्ची, थोड़ा सा अदरक भी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा चम्मच नमक डाल लेंगे। इसको हाई फ्लेम में एक सीटी सिम में 3-4 मिनट बॉईल। सो सामग्री चाहिए, एक टमाटर छोटा पीस काट को ले, प्याज छोटा पीस काट को ले, 3 चम्मच मक्के का आटा, अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप बेसन ले सकते हैं, घी, धनिया पाउडर, लहसुन बारीक काट को ले, 5-6 हरा मिर्च बारीक, अदरक को छोटा पीस काट को ले। हाई फ्लेम में एक सीटी सिम में 3-4 मिनट इसको बॉईल किया है। ये देखिए साग बॉईल हो चुका है, आलू में सॉस से इस तरह भून लेंगे, इसमें मक्के का आटा डाल लेंगे, अच्छा से भून लेंगे। अच्छा से घूट लिया, ये देखिए अच्छा से मैश हो चुका है। तड़का लगाएंगे, गैस के ऊपर मैंने पैन रख दिया है, इसमें घी डाल देंगे 2-3 चम्मच। आप चाहे तो इसमें सरसों का तेल में इसको बना सकते हैं, घी में थोड़ा अच्छा लगता है। मिर्ची डाल दिया 1 चम्मच, जीरा डाल दिया है, हरा मिर्ची डाल लेंगे, तो थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज भी डाल देंगे, आधा फ्राई हो चुका है, इसमें हम अदरक डाल लेंगे, लहसुन डाल लेंगे। अदरक और लहसुन भून चुका है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, अनुसार नमक डाल देंगे। सॉफ्ट हो चुका है, साग इसमें डाल देंगे। पानी कम लग रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे, देखो कुक होने लगे। बस साग अच्छा से कुक हो चुका है, ये हमारा खाने के लिए रेडी है। साग बनने के बाद में सर्व करते हैं। आप इसी तरह सरसों साग मक्के का रोटी के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए।